जनाब एवरीवन, आज मैं आपके लिए एक और मज़ेदार सी रेसिपी लेके आई हूँ। आज हम एक और डिश बना रहे हैं, एक और रेसिपी बताएंगे आपको। उसके लिए मैंने सूजी ले ली है, इसको मैंने पीस लिया खूब अच्छे से, ये आप देख सकते हैं बहुत पीस लिया है। अब इसमें हम आलू, उबले हुए आलू छील के शामिल करेंगे। ये उबले हुए आलू हैं, इनको हम छीलेंगे। ये देख सकते हैं आप, आलू मैंने छील लिए हैं। ये जो सूजी है इसमें मैं डालूंगी आलू भी, और आलू को इनके साथ मैश करूंगी इस तरह। सूजी मैंने आधा कप ली है, ये आप देख सकते हैं। ये देखिए ये मिक्स हो गया है। अब इसमें मैं मसाला डालूंगी, ये भी लाल मिर्ची थोड़ी सी, थोड़ा सा पिसा हुआ ज़ीरा, थोड़ी सी काली मिर्चें पिसी हुई, थोड़ा सा नमक, नमक अपने टेस्ट के हिसाब से शामिल करिएगा। इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। मसाला मिला लिया है हमने अच्छे से, अब इसे हम बेलेंगे। अब इसे बेलेंगे, ये देखिए ऐसे हमने बेल लिया है। अब इसे काटेंगे छुरी से, इस तरह काटेंगे। अब इनको रोल करेंगे इस तरह थोड़ा थोड़ा, ये देखें इस तरह करके। ये देखिए मैंने सारे तैयार कर लिए हैं इस तरह। अब कढ़ाई में तेल डालेंगे। कढ़ाई हमने धो के चढ़ा दी थी, चूल्हे की आंच दरमियानी रखी है। अब हम इसमें तेल डाल रहे हैं। दो कटोरी तेल डाल दिया। अब तेल जब गर्म हो जाएगा तो फिर इसमें हम फ्राई करेंगे। तेल हमारा हो गया, ये मैंने दो तीन डाल दिए हैं, अभी और डालूंगी। ये देखिए जब ये नीचे से गोल्डन ब्राउन हो जाएंगे तो इन्हें पलटेंगे, और चूल्हे की आंच को हमेशा मीडियम पे ही रखें। ये देखिए मैंने पलट दिए, ये गोल्डन ब्राउन हो गए हैं। जब ये अच्छे से हो जाएंगे तो फिर मैंने अब प्लेट में निकालूंगा। ये हो गए, अब मैंने प्लेट में निकालूंगी। ये देखिए मैंने प्लेट में निकाल ली, ये टी स्नैक तैयार हो गए। आज की रेसिपी थी स्नैक्स, तो हमने ये स्नैक्स बना लिए। उम्मीद करती हूँ आज की रेसिपी आपको पसंद आएगी। सोचिए लाइक करेगा, शेयर करेगा, कमेंट करेगा आज की रेसिपी आप लोगों को कैसी लगी। टी स्नैक्स।